सबसे माता रानी होती है यहाँ। अच्छा, सबसे संपन्न शोभा है, सबसे माता रानी की मूर्ति यहीं पर निकली हुई है। ये मॉल का हजार साल कुछ जंगल का यहाँ पे, यहाँ इस मोहल्ले के अंदर चेचक फैल गई थी, जो शायद चेचक फैली तो माता रानी की मूर्ति निकली यहाँ पे खेत में। अच्छा, तो सेम मूर्ति दिए यहाँ, कोई बीमारी कुछ नहीं होता है मोहल्ले के अंदर। अच्छा, माता रानी की कृपा है, यहाँ सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये कितने साल पुराना है मंदिर? 400 साल, 40-50 साल पुराना। पहले भी होगा? पहले से पहले 60-70 साल पुराना मंदिर है। तो ये खेत में निकली थी? हाँ, यहीं पर खेत में निकली है। अच्छा, इसी मतलब ये जगह जहाँ ये मंदिर सपना दिया था या कुछ बोला था? अपना निकली थी। अच्छा, अपना निकली थी। हाँ, अपना महामारी फैल गई यहाँ पे मोहल्ले के अंदर। अच्छा, तो लोगों ने प्रार्थना करी तो माता रानी ने दर्शन दिए। और कहते हैं यहाँ कोई भी अगर विश मांग छोटी सी बनी, यहाँ मान्यता भी बहुत है, कहते हैं कोई अगर प्रार्थना मांगो तो सफल होती है। अगर कोई जिनसे आप मानता मानता है उसके मानता पूरी होती है। लोग अपना मानता पूरी जाती है तो भंडारा भी करते हैं, घंटी भी चढ़ाते हैं सबका। अच्छा, ये 40-50 साल पुराना है, थोड़ी आते थे दर्शन करने, मतलब छोटा सा मंदिर था पहले, भी कम होती थी। आप जाते शिवरात्रि को भी वो लगती है मंदिर में पूजा वगैरह होता है, मेला लगता है। शिवरात्रि में भोलेनाथ के वो है मंदिर यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये सारी मूर्तियाँ बन गई, मंदिर बन गया, थी उन्नति भक्तों ने अपने अपने सहयोग से किसी ने कोई मूर्ति दान दी है, किसी कुछ मूर्ति दान दी है। ठीक है, माता रानी की कृपा से। और कोई विशेष बताओ मंदिर के बारे में? और क्या, मंदिर बहुत बड़े चल रहा है। हम इनके बारे में, मंदिर के बारे में लिखेंगे तो जो राइटर वगैरह होते हैं ये तो बोले से, तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे और कोई विशेषता हो तो बताओ। मंदिर रानी माता रानी की विशेषता है, यहाँ जो भी आता है मन से पूजा करता है, दिल से पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये इनका भव्य विशाल मंदिर बन गया। कोई बुक है आपके पास? बुक बुक मेरे पास नहीं है, महात्मा जो यहाँ पुजारी है ना महादेव में, उनके पास। चलो कोई बात, इतनी जानकारी जैसे मुझे कल आ जाएंगे। चलो कोई बात, ठीक है भैया। अच्छा, ये मनोकामना मंदिर है, चामुंडा मंदिर देखिए, चामुंडा मंदिर। ये छोटी सी मैया निकली थी। अच्छा, मैया जी के बारे में कुछ बताइए।